नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा का बॉक्स ऑफिस पर दिवाला निकल गया। 11 दिनों में ही आमिर की ये फिल्म फुस साबित हो गई। रिलीज होने से पहले ही ये फिल्म काफी विवादों में रही थी। इस फिल्म में आमिर खान के अलावा करीना कपूर खान, मोना सिंह और नागा चैतन्य जैसे कई कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म का लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब बहिष्कार किया। हालांकि इस बहिष्कार के चलते फिल्म और आमिर के समर्थन में कई हस्तियां खड़ी हुई। वहीं कुछ हस्तियों ने आमिर का विरोध भी किया है, जिसमें कंगना से लेकर विवेक अग्निहोत्री का नाम तक शामिल है। इन हस्तियों की लिस्ट में अब अनुपम खेर का नाम भी जुड़ गया। लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट ट्रेंड पर अनुपम खेर ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। एक लीडिंग वेबसाइट के साथ हुई बातचीत में अनुपम खेर ने आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट ट्रेंड का असली कारण बताया। अनुपम खेर ने कहा, फिल्म अच्छी होती तो बॉयकॉट से किसी फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा मानना है। अगर हम लाल सिंह चड्ढा की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि लोगों को पसंद नहीं आए। वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है उस बॉयकॉट चैनल बॉयकॉट की जो प्रतिक्रिया थी, शायद उससे कुछ 5-10% नहीं गए होंगे, पर अगर 95% गए हैं तो बाहर आके उन्होंने बोला होगा भी देखो अच्छी पिक्चर है। तो अच्छी चीज अपना रास्ता किसी ना किसी तरीके से ढूंढ लेती है, और तो इसलिए आई डोंट थिंक, और सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप ये थोड़ा कह सकते हैं कि कौन है ये लोग जो उनको लगा उन्होंने ऐसा किया होगा। अब मैं कहूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? बायकॉट बहुत सा मेरे बारे में, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों के बारे में, तब तो मुझे किसी ने डिफेंड नहीं किया। तो मैं किसी को ऐसा नहीं कि मैं किसी को डिफेंड नहीं करना चाहता, बट आज़ादी की अगर आप बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो फिर आपको आज के ही तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अच्छा काम होगा तो 100%। अब आमिर खान साहब ने एक स्टेटमेंट जो दी थी 2015 में इनटॉलरेंस के बारे में, उसके बाद उनकी दंगल फिल्म बहुत अच्छी थी मगर बहुत चली। पीके फिल्म भी शायद उसके पहले ही उसके आसपास ही चली थी, पर हो सकता है कि पिछले दिनों लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उनको लगा कि सीरिया में शूटिंग नहीं करनी चाहिए, जो हमारे देश में के बारे में अच्छी बातें नहीं करती हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन दुनिया में हिंदुस्तान से ज्यादा टॉलरेंट देश कोई। तो देखा आपने, अनुपम खेर ने आमिर खान पर तंज कसते हुए कह दिया है कि आपके अतीत में दिए हुए बयान आपको जरूर परेशान करेंगे। बता दें कि आमिर खान ने सालों पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी एक्स वाइफ किरण राव को भारत में डर लगता है। आमिर ने ये बयान तब दिया जब देश में सहिष्णुता को लेकर मामला गरमाया हुआ था। आमिर जैसे बड़े एक्टर का इस तरह का बयान देना लोगों को कुछ रास नहीं आया। तब भी आमिर काफी ट्रोल हुए थे और अब लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा निकल रहा है। आमिर अपने इस बयान के साथ साथ फिल्म पीके में भगवान शिव का मजाक उड़ाने की वजह से भी ट्रोल हो रहे। बता दें कि बॉयकॉट के चलते आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को भारी नुकसान हुआ। हालांकि फिल्म के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने नुकसान पर रिएक्शन देते हुए इन सभी बातों को अफवाह करार दिया। एक लीडिंग वेबसाइट के साथ हुई बातचीत में मेकर्स ने कहा कि सिनेरियो एकदम अलग है, फिल्म के शोज कैंसिल नहीं हुए और ये अभी भी सिनेमा घरों में लगी हुई। बताते चले कि आमिर खान की इस फिल्म को अद्वैत चंदन ने डायरेक्ट किया। 180 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अब तक 55 करोड़ की ही कमाई कर पाई। वैसे अनुपम खेर के इस बयान पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।